स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूआर सिविल इंजीनियर पे। आज हम लोग बात करने जाएंगे आईटीआई का जो काउंसलिंग शुरू होने वाला है उसको लेके, कुछ इम्पोर्टेंट डेट जो दिया गया है उसके बारे में आज हम लोग क्लियरली से बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे आज हम लोग सीट मैट्रिक्स के बारे में, किस कॉलेजेस में कितने सीट हैं, आपको कौन सा ब्रांच प्रिफर करना चाहिए कि आपको आगे जल्दी से जल्दी जॉब लगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सेशन आप लोगों को पता है आईटीआई जो होता है 2 साल का भी होता है और 1 साल का भी होता है, तो इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है 2021-22 और 21-23, तो ये 2 साल का भी है और 1 साल का भी है। और जितने भी हमारे गवर्नमेंट के आईटीआई कॉलेज हैं वो एनसीबीटी से अप्रूव्ड होते हैं, और यहाँ पर आपका ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 साल का है या 1 साल का है और कितने वाइज कैटेगरी वाइज सीट है ये आप लोगों को बताया जाएगा। टोटल मिला के आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ओवरऑल मिला के 25,464 सीट का सीटों पर एडमिशन होना है, ध्यान रखना आपको 25,000 है, ठीक है। और बात को ध्यान से सुनना है, रिजल्ट जो है बच्चों का जो जारी किया गया है वो 80,000 है, 80,000 रिजल्ट जारी किया गया है, 25,464 बच्चों का एडमिशन होना है, सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है। अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ये सारा सीट मैट्रिक्स ये सारा पीडीएफ आप लोगों को उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से भी चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन लिंक में एक LIMKTREE करके एक हमारा साइट है, इस पे जाना आप लोग और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपने बातों में, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे आईटीआई का जो एडमिशन होने वाला है इसमें लिख दिया गया है कि जो भी एडमिशन होने जा रहा है उसका कल से, मतलब आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, कल से च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस पे भी हम लोग जल्द ही वीडियो लाएंगे कि कैसे आपको च्वाइस फिलिंग करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है, सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और च्वाइस फिलिंग कैसे करना है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कल काउंसलिंग के लिए शुरू होगा तो हम बना के आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे एडमिशन के लिए क्या क्या जरूरत कागज है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कब से रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग होगा, तो 9 से 18 नवंबर तक ही होगा, ठीक है। सीट अलॉटमेंट जो पहला राउंड का है वो 24 नवंबर को होगा, अपना अलॉटमेंट लेटर 24 से 30 नवंबर तक कर सकते हैं, और एडमिशन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 25 से 30 तक में होगा, मतलब 30 तारीख तक में आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा बात करें सीट अलॉटमेंट 6 दिसंबर को होगा, उसका अलॉटमेंट लेटर 6 से 11, एडमिशन और वेरिफिकेशन 7 से 11, मतलब 11 दिसंबर तक सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा, मेरे ख्याल से क्लियर आप सभी को। एक बात और ध्यान से सुनना है बच्चों, आपको पहले राउंड में ही आपको च्वाइस फिलिंग करना है, पहले राउंड में ही च्वाइस फिलिंग करना है आपको। अगर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पहला राउंड में नहीं करते हैं, सेकेंड राउंड में कहीं कर दे, तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले राउंड में ही च्वाइस फिलिंग कर देना है, ठीक है। क्या क्या कागज चाहिए इसके बारे में भी ध्यान से सुनो, एडमिशन के लिए क्या क्या कागज चाहिए। मैट्रिक का मूल प्रवेश पत्र और प्रबंधित प्रमाण पत्र, जिसको प्रोविजनल कहते हैं, मूल जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, 6 फोटो लाना है, आईटीआई के का ओरिजिनल एडमिट कार्ड लाना है, आपको रैंक कार्ड लाना है, जो आप लोग आपका रैंक कार्ड होगा आईटीआई का, च्वाइस स्लिप जो आप ये च्वाइस फिलिंग करोगे आप कहीं पर भी करना, उस च्वाइस स्लिप का भी आपको जीरोक्स ले लेना है या प्रिंट आउट ले लेना है, आवेदन फॉर्म की कॉपी, अलॉटमेंट लेटर जो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, वेरिफिकेशन स्लिप, ये सभी चीजों को आपको लेके जाना पड़ेगा जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में, तो ओवरऑल बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल दिया दे दिया जाता है कि आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, यूआर बैंक से आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो आईटीआई दीघा का अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट है ये आपका पटना, ट्रेड नेम है इलेक्ट्रीशियन, एफिलिएटेड विद एनसीबीटी जैसा कि मैंने पहले भी बताया,
यूआर में देखो इलेक्ट्रीशियन में 46 गो है, 18 गो एससी में है, एसटी में 1 है, ईबीसी में 21 है, बीसी में 14, आरसीजी में 13, ईडब्ल्यूएस में 11, ओवरऑल 114, एसएमक्यू और बीक्यू के लिए अलग से रखा गया है। तो ओवरऑल आप लोग देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, हीटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, वायरमैन है, डॉसमैन मैकेनिकल, डॉसमैन सिविल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टर्नर मैकेनिक्स, मैकेनिक ग्रिंडर, ये सब आपको पटना में मिल रहा है। ठीक है, देखो ICTSM, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, वेल्डर, मैकेनिक ट्रैक्टर, फाउंड्रीमैन, प्लम्बर, सर्वेयर, मैकेनिक्स ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक्स ऑटो बॉडी रिपेयर, तो ये सभी आपको देखो यहाँ पर से देखो आप लोग, ये सब जो है ये एक साल का है, मैकेनिक डीजल वेल्डर ये सब सब एक साल का है आपका। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करना। जैसे अगर हम पालीगंज की बात करें, इलेक्ट्रिशियन है, वहां फीटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, ICTSM है, वेल्डर है, मैकेनिक डीजल है, तो आपको जो है पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट मतलब स्टेट कहते सॉरी सिटी में कौन कौन से ब्रांच है, पहले ये आपको देखना है। ठीक है, जैसे हम बात करें कुछ कुछ और उठाते हैं हम भागलपुर का, अगर हम लोग बात करें, चलो भागलपुर से हैं तो एक बार भागलपुर के बारे में देखते हैं कि भागलपुर में कौन कौन से ब्रांच है। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मैकेनिक्स है, फीटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल, डॉसमैन सिविल, वायरमैन, सर्वेयर, प्लम्बर, वेल्डर और है, और यहाँ पर फाउंड्री मैन भी है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक ट्रैक्टर है, डॉसमैन मैकेनिक। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपको एक साल का कोर्स लेना है या दो साल का लेना है, उस हिसाब से आगे आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सीट मैट्रिक्स के अनुसार आप लोग सोच लो कि क्या है नहीं है। अब हम आते हैं सबसे इसमें लास्ट पेज में, क्योंकि ये लास्ट पेज ही आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कॉलेज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको कौन कौन से कॉलेज भरने चाहिए, आप पटना भर सकते हैं, भागलपुर भर सकते हैं, ये सब जगह आपको अच्छी थोड़ा पढ़ाई भी मिल जाएगी। ठीक है, टोटल मिला के ये 52 पेज का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है सीट मैट्रिक्स में, ताकि आप लोग जो है एक एक करके हर एक कॉलेज के हिसाब से आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर आपको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, टोटल सीट जो है आईटीआई के लिए या वुमेन पॉलिटेक्निक आईटीआई के लिए अलग अलग है, आईटीआई और वुमेन पॉलिटेक्निक, ये जो डब्ल्यू है ये वुमेन क्या है। ठीक है, टोटल मिला के सीट जो है जनरल में देखो कितना है, जनरल में यूआर रैंक में आपको 10,162, एससी एसटी हो गया, ईबीसी है, इसी तरह बीसी है, सबको मिला के ओवरऑल 25,448 सीट दिया गया है। एसएमक्यू के लिए 1336 और डीक्यू के लिए 1308, तो ओवरऑल जोड़ो तो आप लोग 25,126,127 उधर मान लो 28,000 बच्चों का एडमिशन अप्रोक्सीमेटली इस बार आईटीआई में होने जा रहा है। आप लोग को जो भी दिक्कत आ रही है चॉइस फिलिंग में, तो हम लोग कल आएंगे ही आपको बताएंगे कि कैसे करना है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर रिप्लाई करेंगे आप लोगों को, और जहां भी दिक्कत होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आप लोग अभी से रेडी कर लो जाति निवास आए कम से कम, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।